अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे। आज चैप्टर नंबर 11 और लेक्चर नंबर 12 को डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 12 में जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, सिलेक्शन स्ट्रक्चर। सिलेक्शन स्ट्रक्चर के हमारे अंदर हमारे पास आता है व्हाट इज इफ स्टेटमेंट, या इफ हमारे पास सिलेक्शन स्ट्रक्चर है, वर्किंग ऑफ इफ स्टेटमेंट, एग्जाम्पल्स ऑफ इफ स्टेटमेंट। इन टॉपिक्स को हम ब्रीफली डिटेल डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। व्हाट इज सिलेक्शन स्ट्रक्चर, सिलेक्शन स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास। द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर इज अ सिलेक्शन स्ट्रक्चर सिलेक्ट्स अ स्टेटमेंट आर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स टू एग्जीक्यूट ऑन द बेसिस ऑफ अ कंडीशन। सिलेक्शन स्ट्रक्चर हमारे पास बेसिकली सिलेक्शन परफॉर्म करेगा ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू वाले पोर्शन की स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो फॉल्स वाले पोर्शन की जो स्टेटमेंट्स होंगी उनको एग्जीक्यूट करेगा। तो तमाम की तमाम चीजें डिपेंड करती हैं कंडीशन के ऊपर। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन हमारे पास फॉल्स होगी तो फॉल्स वाला पोर्शन हमारे पास एग्जीक्यूट होगा। अ स्टेटमेंट आर अ सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट इज एग्जीक्यूटेड व्हेन अ पार्टिकुलर कंडीशन इज ट्रू एंड इग्नोर्ड व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स इज कॉल्ड कंडीशनल स्टेटमेंट। हमारे पास ऐसी स्टेटमेंट जो कंडीशन के ट्रू होने से एग्जीक्यूट हो और कंडीशन के फॉल्स होने से वो कंडीशन एग्जीक्यूट ना हो तो ये हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट कहलाती है। व्हेन अ पार्टिकुलर कंडीशन इज ट्रू एंड इग्नोर्ड व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स द कंडीशन इज कंडीशनल स्टेटमेंट। Suppose a program display pass if the student gets 40 or more than 40 marks. If it display fail when the marks are below 40. अब इसमें condition है बेटा, अगर तो student के marks 40 या greater than 40 होंगे तो हमारे पास condition true हो जाएगी। हमारे पास condition ये है कि student get 40 or more than 40 marks. अगर student 40 marks ले या 40 से above ले तो program display करेगा पास। इफ स्टूडेंट गेट लेस देन 40 या बिलो 40 तो प्रोग्राम शुड डिस्प्ले फेल। अब कंडीशन है तो कंडीशन के अकॉर्डिंगली या तो पास वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा यानी पास वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी या फेल वाली, डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ मार्क्स कितने आते हैं स्टूडेंट के। द प्रोग्राम चेक्स द मार्क्स बिफोर डिस्प्लेइंग द मैसेज। प्रोग्राम पहले मार्क्स को चेक करेगा, फिर उसके अकॉर्डिंगली कंडीशन फुलफिल होगी, कंडीशन के अकॉर्डिंगली फिर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाएगा। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नाउन एज डिसीजन मेकिंग और सिलेक्शन। इस प्रोसेस को हम डिसीजन मेकिंग भी कहते हैं या सिलेक्शन स्ट्रक्चर भी कहते हैं। डिसीजन मेकिंग में भी वही कंसेप्ट है, ये सिलेक्शन स्ट्रक्चर में भी सेम बात ही है। डिपेंड करती है सारी चीजें कंडीशन में, कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो भी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। डिपेंड करता है कौन सा पोर्शन एग्जीक्यूट होगा, तो इट्स डिपेंड अपॉन ओनली इन कंडीशन। Types of selection structure used in C language. There are two basic types of selection structure in C language. हमारे पास दो basic types हैं selection structure की. These are if-else structure और switch structure. If-else को देखते हैं. It is used to execute or skip a statement or set of statement by checking a condition. इसमें basically दो concept आ जाते हैं हमारे पास, if और else. अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू होगी तो इफ वाला यानी इफ के बाद जो स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इफ वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा। इट यूज्ड टू एग्जीक्यूट आर स्किप अ स्टेटमेंट आर अ सेट ऑफ स्टेटमेंट बाय चेकिंग अ कंडीशन। कंडीशन फर्स्ट ऑफ ऑल चेक होगी तो कंडीशन के अकॉर्डिंगली या तो इफ वाला जो पोर्शन है उसकी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी या एल्स वाले पोर्शन की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। नेक्स्ट हमारे पास है स्विच स्ट्रक्चर। इट इज यूज्ड व्हेन देयर आर मेनी चॉइसेस अवेलेबल एंड ओनली वन शुड बी एग्जीक्यूट। आपके पास एक से ज्यादा जो च्वाइसिस है या एक से ज्यादा सोल्यूशन या एक से ज्यादा मेथड्स अवेलेबल है तो आप उनमें से किसी एक पे स्विच कर जाएंगे, किसी एक को यूज करेंगे या किसी एक मेथड को अपना लेंगे। What is if statement? If statement हमारे पास क्या है? If is a keyword
कीवर्ड का कॉन्सेप्ट भी हमने देखा है, क्योंकि ये पहले से प्री डिफाइंड है, इसलिए हमारे पास कीवर्ड है, इसका प्री डिफाइंड मीनिंग है लैंग्वेज के अंदर पहले से, और ये हमारे पास सिलेक्शन स्ट्रक्चर है। इस स्टेटमेंट इज अ डिसीजन मेकिंग, या सिलेक्शन स्ट्रक्चर स्टेटमेंट है ये हमारे पास। इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर। इट इज यूज टू एग्जीक्यूट अ स्कीप अ स्टेटमेंट आर सेट ऑफ स्टेटमेंट बाय चेकिंग अ कंडीशन। ये हमारे पास सिलेक्शन का टास्क या काम परफॉर्म करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन चेक होगी, उसके बाद कुछ कंडीशंस एग्जीक्यूट, कुछ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी और कुछ स्टेटमेंट्स हमारे पास स्किप हो जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। द कंडीशन इज गिवन एज अ रिलेशनल एक्सप्रेशन। इफ द कंडीशन इज ट्रू द स्टेटमेंट्स आर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आफ्टर इफ स्टेटमेंट्स इज एग्जीक्यूटेड। पिछली स्लाइड में भी हमने डिस्कस किया, अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो इफ के बाद जो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। इफ द कंडीशन इज फॉल्स द स्टेटमेंट्स आर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आफ्टर इफ स्टेटमेंट इज नॉट एग्जीक्यूटेड। अगर हमारे पास इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो इफ के बाद जितनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी। तो ये सारा मामला डिपेंड करता है कंडीशन में। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इफ के बाद वाला पोर्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो इफ के बाद जितनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स होंगी वो हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं होंगी। सिंटैक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट। द सिंटैक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट एज फॉलोज। इफ उसके बाद उसकी कंडीशन, ये डिपेंड करता है कंडीशन क्या है। जैसे हमने स्टूडेंट के मार्क्स की बात की थी तो इसमें यहां पे कंडीशन के तौर पर होगा, लेट से एम लेस देन आर इक्वल टू 40, तो मार्क्स एम ग्रेटर देन आर इक्वल टू 40, अगर हमारे पास ये कंडीशन होगी तो उस डिपेंड करता है जो इनपुट आएगी तो उसके अकॉर्डिंगली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी या नहीं होंगी। अब ये हमारे पास इफ स्टेटमेंट है, ये इफ की कंडीशन है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो उसके बाद ये जितनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स होंगी एग्जीक्यूट हो जाएंगी, अदरवाइज ये एग्जीक्यूट नहीं होंगी कंडीशन अगर फॉल्स हो जाएगी। द अबव सिंटैक्स इज यूज्ड फॉर सिंगल स्टेटमेंट। अ सेट ऑफ स्टेटमेंट कैन आल्सो बी मेड, इन दिस केस द स्टेटमेंट्स आर रिटन इन द कर्ली ब्रेसेस। इफ स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए हम एक सिंगल स्टेटमेंट के लिए भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंगल स्टेटमेंट की सिलेक्शन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को भी हम इफ स्ट्रक्चर के थ्रू इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हमारे पास होंगी तो उनको हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर मेंशन करेंगे। द सिंटैक्स ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स इन डिफरेंट इन इफ स्टेटमेंट एज फॉलोज। अब यहां पे हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है, पिछले कॉन्सेप्ट में हमारे पास सिंगल स्टेटमेंट थी, अब इसमें हमारे पास एक से ज्यादा नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हैं। अब ये इफ स्टेटमेंट का कीवर्ड आ गया और ये उसकी कंडीशन होगी, जो भी व्हाटसोएवर कोई भी कंडीशन हो सकती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या अकॉर्डिंग टू द लॉजिक ऑफ प्रोग्राम। तो अब ये कर्ली ब्रेसेस हैं, जैसे हम प्रोग्राम की बॉडी को डिस्कस करते हैं तो इस टाइम पे ये इफ की बॉडी है और ये स्टार्टिंग ब्रेस है और ये यहाँ पे एंडिंग ब्रेस है, तो इसके दरमियान इफ की तमाम स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, वन से स्टार्ट हो रही हैं, सो ऑन एन स्टेटमेंट तक जा रही हैं। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इसके अंदर जितनी भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स होंगी वो वन बाय वन तमाम की तमाम एग्जीक्यूट हो जाएंगी, डिपेंड करता है अगर कंडीशन ट्रू होगी, और ये हमारे पास सिंपल इफ स्टेटमेंट है। जैसा कि यहाँ पिक्चर में शो आउट किया गया, हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन है, यहां से हमारे पास वैल्यू इन होगी, उसके बाद उसके अगेंस्ट कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन दुरुस्त होगी ट्रू होगी तो ये वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी तो रेस्ट ऑफ कोड यानी एंड ऑफ प्रोग्राम कह दें या इनपुट इज रॉन्ग कह दें या व्हाटसोएवर जो आप डिस्प्ले पे आउटपुट पे शो करवाना चाहेंगे वो आप मेंशन कर सकते हैं। अगर कंडीशन ट्रू होगी, क्योंकि हमारे पास सिंपल इफ स्टेटमेंट है, इफ कंडीशन इज ट्रू देन दो स्टेटमेंट्स शुड बी एग्जीक्यूट, इफ द कंडीशन इज फॉल्स नो एग्जीक्यूशन विल बी परफॉर्म्ड। अब हमारे पास इफ स्टेटमेंट से रिलेटेड एक प्रोग्राम है, इसकी हम स्टेटमेंट को फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट मार्क एंड डिस्प्ले कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव पास्ड इफ द मार्क्स आर 40 आर मोर। अब हमारे पास एक प्रोग्राम है जो हम सी लैंग्वेज के अंदर उसको टाइप करेंगे, उसपे स्टूडेंट को इनपुट के तौर पर अपने मार्क्स देना होंगे और उसके बाद जो डिस्प्ले पे मैसेज आएगा कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव पास्ड, ये कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव पास्ड कब हमारे पास डिस्प्ले पे या आउटपुट पे शो होगा, इफ द मार्क्स आर 40 आर मोर, अगर मार्क्स 40 या 40 से अबव होंगे। फर्स्ट लाइन ऑफ प्रोग्राम की नंबर साइन इंक्लूड stdio.h,
स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट की लाइब्रेरी इंक्लूड होगी, इसी तरह कंसोल इनपुट आउटपुट की लाइब्रेरी और हेडर फाइल प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड होगी। उसके बाद वॉइड मेन, यहाँ से प्रोग्राम की मेन बॉडी स्टार्ट हो रही है। उसके बाद इंट मार्क्स, हमने यहाँ पे इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया है, वेरिएबल नेम इज मार्क्स एंड वेरिएबल डेटा टाइप इज इंटीजर। उसके बाद क्लियर स्क्रीन का फंक्शन यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद प्रिंट एफ का फंक्शन, ये स्टेटमेंट जैसे एग्जीक्यूट होगी एंटर यूर मार्क्स, तो आउटपुट में हमें ये डिस्प्ले होगा या कंसोल हमें ये डिस्प्ले करेगा एंटर यूर मार्क्स। तो उसके बाद स्टेटमेंट जैसे एग्जीक्यूट होगी, ये प्रिंट एफ का फंक्शन जैसे ही एग्जीक्यूट होगा तो यूजर से या प्रोग्रामर से डिमांड की जाएगी कि वो अपने मार्क्स को एंटर करे या स्टूडेंट अपने मार्क्स को एंटर करे। स्कैन एफ का फंक्शन इनपुट के लिए इस्तेमाल होता है हमारे पास, और ये फंक्शन प्रिंट एफ का हमारे लिए हमारे पास आउटपुट के लिए इस्तेमाल होता है। जब स्कैन एफ का फंक्शन उसके बाद एग्जीक्यूट होगा तो ये यूजर से यानी कि इनपुट लेगा, तो परसेंटेज डी, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारे लिए इसलिए इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर हुआ है वो इंटीजर डेटा टाइप का है। उसके बाद मार्क्स का वेरिएबल होगा, तो जो भी वैल्यू हम पुट करेंगे वो इस मार्क्स की वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, और ये जो एंड का साइन है ये उस वेरिएबल की लोकेशन को आइडेंटिफाई कर रहा जो मेमोरी में एड्रेस इसको एलोकेट है, जहां पे जाके ये वैल्यू इस वेरिएबल मार्क को स्टोर होगी। इफ मार्क्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 40, अगर अब ये हमारे पास इफ, ये इफ स्टेटमेंट या इफ का कीवर्ड यहां पे मेंशन हुआ, और ये स्मॉल ब्रेसिस के अंदर हमारे पास इफ की कंडीशन यहां पे मेंशन है, जो हमने प्रीवियस ऑलमोस्ट लेक्चर में यही चीज डिस्कस की। तो ये कंडीशन है यहां पे, इफ मार्क्स ग्रेटर आर इक्वल टू 40 देन क्या प्रिंट होगा, उससे नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट ये है, प्रिंट एफ कांग्रेचुलेशंस यू हैव पास्ड। अगर मार्क्स 40 होंगे या 40 से अबव होंगे तो मैसेज आउटपुट पे क्या डिस्प्ले होगा, कांग्रेचुलेशन यू हैव पास्ड। उसके बाद हमारे पास गेट सी एस, गेट करेक्टर का फंक्शन है। उसके बाद हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन एंड हो रही है। अब हमारे पास सिंपल इफ स्टेटमेंट है, इसमें हमारे पास जो कंडीशन है यहां पे, अगर तो मार्क्स 40 हैं या 40 अबव है तो हमारे पास ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, कांग्रेचुलेशन यू हैव पास। इसमें दूसरी कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ सिंपल एक ही कंडीशन है, अगर कंडीशन दुरुस्त होगी तो ये डिस्प्ले होगा, इफ मार्क्स 40 एंड ग्रेटर देन 40। अब यहां पे एंटर योर मार्क्स में उसने एंटर किया 50, तो हमारे पास आउटपुट पे जो रिजल्ट डिस्प्ले हुआ, कांग्रेचुलेशन यू हैव पास। नेक्स्ट प्रोग्राम है बेटा हमारे पास, इसकी स्टेटमेंट को फर्स्ट ऑफ ऑल हम रीड आउट करते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट टू नंबर्स एंड फाइंड इफ सेकंड नंबर इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर। यूजर से इनपुट के तौर पर दो नंबर लिए जाएंगे, उन दो नंबर्स में से ये चेक किया जाएगा क्या दूसरा नंबर पहले नंबर का स्क्वायर है या नहीं है। ये जो भी दो नंबर हम आउट इनपुट करेंगे उसके अगेंस्ट हमें रिजल्ट मिलेगा कि दूसरा नंबर पहले नंबर का स्क्वायर है या नहीं है। प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, फर्स्ट लाइन नंबर साइन इंक्लूड एसटीडी आयोडाइड एच, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की लाइब्रेरी इंक्लूड होगी, उसके बाद कंसोल इनपुट आउटपुट की लाइब्रेरी इंक्लूड होगी, मेन फंक्शन यानी फंक्शन की बॉडी स्टार्ट होगी, स्टार्टिंग ब्रेस और एंडिंग ब्रेस, इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल डिक्लेयर हो गए ए और बी, और उसके बाद एंड ऑफ स्टेटमेंट कॉलन यहाँ पे मेंशन है सेमी कोलन। फर्स्ट वेरिएबल नेम इज ए एंड सेकंड वेरिएबल नेम इज बी, और इन दोनों वेरिएबल की डेटा टाइप इंटीजर है हमारे पास। क्लियर स्क्रीन का फंक्शन इस्तेमाल हो गया। उसके बाद प्रिंट एफ की स्टेटमेंट आई, ये प्रिंट एफ का फंक्शन यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है एंटर अ नंबर, यानी यूजर से इनपुट ली जा रही है, डिमांड की जा रही है कि यूजर या प्रोग्रामर नंबर एंटर करे। स्कैन एफ स्टेटमेंट हमारे लिए हमारे पास इनपुट के लिए इस्तेमाल होती है, यहाँ पे परसेंटेज स्पेसिफायर परसेंटेज डी इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि हमारे पास वेरिएबल जो है वो इंटीजर टाइप के हैं। उसके बाद एंड परसेंट ए हमारे पास यानी कि जो वैल्यू एंटर अ नंबर के बाद हम एंटर करेंगे वो वैल्यू हमारे पास वेरिएबल ए के अंदर स्टोर आउट हो जाएगी। उसके बाद इस तरह नेक्स्ट स्टेटमेंट जैसे एग्जीक्यूट हो जाएगी, एंटर अ सेकंड नंबर भी लिखा जा सकता है इसमें, इसमें भी सेम लिखा हुआ एंटर अ नंबर, इसमें भी स्कैन ऐप के जरिए यूजर इनपुट देगा तो ये जो भी वैल्यू इनपुट के तौर पर देगा वो वेरिएबल बी में स्टोर हो जाएगी। पहली वैल्यू जो यूजर देगा वो वेरिएबल ए में स्टोर हुई, जो दूसरी पुट करेगा वो वेरिएबल बी में स्टोर हुई। अब वो चेक करेगा क्या पहली वैल्यू क्या सेकंड वैल्यू पहले जो सेकंड नंबर है वो पहले का स्क्वायर है या नहीं है। अब इसमें कंडीशन है इफ, और इफ हमारे पास कीवर्ड है और इफ की कंडीशन यहां पे मेंशन है ए मल्टीप्लाई बाय ए यानी ए का स्क्वायर
इज इक्वल टू बी, यानी कि पहले नंबर का जो स्क्वेयर है क्या वो दूसरे नंबर के बराबर है। हमारे पास दो नंबर थे या दो वेरिएबल हमने इस्तेमाल किए ताकि हमारे पास दो वैल्यू स्टोर हो सके। अब हमने ये करना है कि जो हमारे पास पहला नंबर है यानी वेरिएबल ए के अंदर जो वैल्यू हमने स्टोर कराई या जो हमारे पास पहला नंबर है क्या वो स्क्वेयर है, पहले नंबर का जो स्क्वेयर है वो दूसरे नंबर के बराबर है या नहीं है। ए मल्टीप्लाई ए का मतलब ये है, यानी कि पहला नंबर लेट से यूजर ने कोई भी एंटर किया 2, 4 व्हाटसोएवर, लेट से 2 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 का जो स्क्वेयर हो तो जो बी की वैल्यू क्या उसके बराबर है, यानी कि पहली वैल्यू का स्क्वेयर दूसरी वैल्यू का बराबर है या नहीं है, तो ये इस कंडीशन में चेक करेगा। फिर प्रिंट एफ, अगर तो ये ट्रू होगा, ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमारे पास आउटपुट पे क्या डिस्प्ले होगा, प्रिंट एफ की कंडीशन ये आउटपुट पे डिस्प्ले करेगी सेकंड नंबर इज स्क्वेयर ऑफ फर्स्ट नंबर, जो सेकंड नंबर है हमारे पास वो स्क्वेयर है फर्स्ट नंबर का। लेट से यूजर अगर 2 एंटर करता है तो 2 का स्क्वेयर यहाँ पे 4 होगा जो 4 है, और इधर 2 उस 2 नंबर बी है तो यानी कि दूसरा नंबर जो है वो पहले का स्क्वेयर है। ये कंसेप्ट थोड़ा ट्रिकी है, इतना मुश्किल नहीं है, लॉजिक है सिंपल सी। तो यहाँ पे हम आउटपुट पे देखते हैं एंटर अ नंबर, तो यूजर ने फर्स्ट टाइम पे 5 एंटर किया, यानी कि 5 की जो वैल्यू है ये वेरिएबल ए में स्टोर हुई। एंटर अ नंबर और दूसरा नंबर जो यूजर ने एंटर किया वो 25 एंटर किया, तो ये वैल्यू हमारे पास रिस्पेक्टिवली बी वेरिएबल के अंदर स्टोर आउट होगी। अब अगर सेकंड नंबर इज अ स्क्वेयर ऑफ फर्स्ट नंबर, अब सेकंड नंबर जो हमारे पास 25 है, ये हमारे पास जो फर्स्ट नंबर यूजर ने एंटर किया था वो 5 का स्क्वेयर है, तो यही कंसेप्ट यहाँ पे, अगर हम 5 को यहाँ कंसीडर करें तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 या 5 का स्क्वेयर ले लें तो 25 बनता है। तो यहाँ पे नंबर जो है हमारे पास 25 है और यहाँ पे हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 5 हो रहा है, यानी कि ए की जो वैल्यू है बी की जो वैल्यू है वो हमारे पास 5 है और उसका जो स्क्वेयर है वो 25 है। तो इस तरह जो नंबर एंटर किया वो चेक करके बता रहा है सेकंड नंबर इज अ स्क्वेयर ऑफ फर्स्ट नंबर। इसमें ये क्लियर हो गया कि जो यूजर ने दो नंबर एंटर किए उसमें जो फर्स्ट नंबर है वो दूसरे नंबर का स्क्वेयर बी है। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा एंड हुआ, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी। अब मैं उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आप पूरा अटेंड करेंगे क्योंकि ये कंसेप्चुअल है। अगर इफ सिंपल इफ स्टेटमेंट आपको क्लियर होगी, इससे रेलिवेंट दो प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल मैंने आप लोगों से डिस्कस की, अगर ये दोनों एग्जाम्पल्स प्रोग्राम 11.1 और 11.2 जो हमने डिस्कस किए ये आप लोगों को क्लियर होंगे, और इससे रेलिवेंट और एग्जाम्पल्स भी आप बुक में देखें, अगर ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होगा तो इफ एल्स स्टेटमेंट भी आप लोगों को इनशाला नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर हो जाएगी इजिली, और इफ एल्स इफ का जो कॉन्सेप्ट है वो भी इनशाला इजिली आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।